बंद करो, पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस दो, डीजल पेट्रोल के रेट कम करो, कम करो। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट ये आप देख रहे हैं हमारे वीडियो के अंदर, यहाँ पे तो आ रही है मीडिया के सामने रूबरू यहाँ पे होने जा रहे हैं। तो सबसे आवाम के मुद्दे हैं जो कि जन जागरण के अभियान के माध्यम से 15 दिन से कांग्रेस पार्टी देश में जम्मू कश्मीर में उजागर कर रही है, और उसमें किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, आवाम का मुद्दा, महंगाई जो कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी जो चरम सीमा पे है जिसमें रिकॉर्ड तोड़ा है जम्मू कश्मीर यूटी ने हिंदुस्तान में, उसके विरोध में जन विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, कर्मचारी विरोधी, डेली वेजर नीड बेस्ड विरोधी और आम आवाम विरोधी जो सरकार की नीतियां हैं उसके खिलाफ हमारा ये संघर्ष है। आप देख रहे हैं कमर तोड़ महंगाई है, पेट्रोल डीजल और गैस पे टैक्स से टैक्स वसूले जा रहे हैं, और आज महंगाई नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल महंगाई है, टैक्स है जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो रोटी नहीं पूरी कर सकता। किसान को हर तरह की खाद और बीज वो मुहैया नहीं होता टाइम पे, वो अपनी मेहनत करता है। खाद दो नंबर डुप्लीकेट खाद का शोषा मिला है कि काली खाद जो गलती नहीं, और वो खाद जहाँ बिक रही है सरकार उसकी जांच करे और पर्याप्त मात्रा में खाद बीज दे किसानों को। सर यहाँ पे हम आपको रोकेंगे, अगर हम सुंदरबनी की बात करें खासकर बड़ा सुंदरबनी की, यहाँ खाद है ही नहीं सर, यहाँ पे 100 तोड़ा का खपत जो होता है मात्र 100 ट्रक सर, पहले तो सर, सर, है ही सर, एक मिनट जो खाद है वो भी सर हमें पता लगा है कि वो असल नहीं है सर, हमारे तो डेवलपिंग 700 तो शहीद हो गए और बाकी भूखमरी से मर रहे हैं, बाकी किसान जो उसको बीज और उसको खाद नहीं मिल रही। आप मीडिया वाले भी ये कह रहे हो तो ये सच ही है, और दूसरी बात यह कि 2 नंबर नकली खाद ये किसानों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, युवाओं के साथ जुल्म है, और यहाँ पे जितने भी विकास कार्य थे, डिग्री कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, बैरी पेटल लिफ्ट इरीगेशन हो, इंडस्ट्रियल स्टेट हो, स्पोर्ट्स स्टेडियम हो, जो पिछली सरकार ने मंजूर किए और शुरू किए वो काम वही ठप पड़े हैं, और इसलिए विकास के नारे हैं, नौकरियों के बड़े बड़े दावे और वायदे किए गए लेकिन यूटी बनने के बाद बाहर वालों को नौकरियाँ, इसलिए हमने कहा कि लैंड और जॉब सिक्योरिटी दी जाए जम्मू कश्मीर के लोकल्स को, युवाओं को, बाहर के लोगों को नौकरियाँ देने के बजाय जॉब क्रिएट करो, प्राइवेट सेक्टर में दो, इंडस्ट्रियल स्टेट बनाओ, सिल्क फैक्ट्री यहाँ पे जो मंजूर थी 8 वो लगाओ ताकि लोग मजदूरी तो कर सके, सरकार नौकरी नहीं दे रही, और युवा विरोधी इन्होंने तमाम काम किए हैं जिसके खिलाफ आज लोग तब्दीली चाहते हैं। जब भी यहाँ स्टेट बनेगी, इलेक्शन होगा, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा हिमाचल की तरह, एक हिमाचल के तमाचे ने पूरी मोदी सरकार को हिलाया, 15 रुपये 10 रुपये पेट्रोल डीजल कम हुआ, आज भी 35 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट और 30 रुपये स्टेट राज्य गवर्नमेंटें एक एक लीटर पेट्रोल डीजल पे कमा रही हैं, जबकि कांग्रेस के टाइम 9 रुपये पेट्रोल पे और 3 रुपये 46 पैसे डीजल पे एक लीटर पे कमाया करते थे। टोल प्लाजा ये कितने टैक्स देंगे लोग, बिजली का टैक्स देंगे, पानी का देंगे, सड़कों और पुलों के ऊपर चलने का देंगे, इस सरकार का नाम तो टैक्स कलेक्शन सरकार रखना चाहिए। इसलिए ये गरीब विरोधी, आवाम विरोधी, जनता विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है। सर लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा, आता सत्ता पे आने के बाद कि हम जुमले बोलते रहते हैं अमित शाह मोदी जी ने, इसलिए ये एक जुमला था कि 370 खत्म होगा ताकि ओबीसी वाले हमारा साथ दें और आपको 27% रिजर्वेशन मिलेगा, जबकि वो धोखा था और वो आज तक नहीं हुआ। हम पूछते हैं बीजेपी से क्यों नहीं हुआ, आपने गलत बयानबाजी क्यों की, धोखा क्यों दिया और 370 के फायदे क्या हुए, और अगर